हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनीष। बाय प्रोफेशन आई एम सिस्टम आर्किटेक्ट एंड हैविंग मोर देन 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्रीज। ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू विल लर्न मेनी ऑफ आईटी टेक्नोलॉजीज लाइक सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाउड सॉल्यूशन, एंटीवायरस एंड फायरवॉल मैनेजमेंट, सिस्टम नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल, बैकअप एंड सिक्योरिटी टूल्स, पैच मैनेजमेंट एंड डेवऑप्स टूल्स, इमेज मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन, इमेज क्लोनिंग एंड हेल्प डेस्क टूल एंड मेनी मोर। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फायरवॉल सोफोस एक्सी फायरवॉल में है, डॉस और डीडॉस अटैक, राइट? ये क्या होता है, इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में? तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये डॉस, डीओएस एंड डीडॉस अटैक होता क्या है, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं डॉस अटैक की। डॉस अटैक क्या होता है? बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस। देखिए बेसिकली क्या होता है, आपका जो कंपनी एनवायरनमेंट है, राइट, हैकर्स इसी फिराक में बैठे रहते हैं कि कहीं से आपका कोई लीकेज पॉइंट मिले और उसमें वो अटैक करके आपकी एंड आपके जो कंपनी के एनवायरनमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस सकें और उसके अकॉर्डिंग अपने जो उनके मंसूबे हैं उनको पूरा कर सकें, राइट? तो अब बेसिकली अब हमारी क्या बारी आती है, हम फायरवॉल पे इस तरह से अटैक को रोक सकें। सबसे पहले अटैक की बात करते हैं हम डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है, जैसे नाम आप देख पा रहे होंगे इंडिकेट करके था डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब कोई सर्विस डिनाई होगी, मतलब अवेलेबल नहीं है। अब अवेलेबल नहीं है तो किसी भी कारण से हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए या पर्टिकुलर जिस सर्वर पे वो सर्विस चल रही है वो सर्वर अवेलेबल नहीं हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या करता है हैकर, क्या करता है बेसिकली एक अटेम्प्ट करता है आपके सर्वर पे, ठीक है, और उस सर्वर पे कंटिन्यू बॉम्बार्डमेंट करता रहता है ट्रैफिक के लिए। अब वो ट्रैफिक चाहे किसी भी रीजन से हो, किसमें आईसीएमपी हो या पर्टिकुलर पोर्ट से रिलेटेड हो, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल सी बात है जो ट्रैफिक है वो बेसिकली आपके जो सर्वर है, ठीक है, उस सर्वर पे बॉम्बार्डमेंट हो जाती है ट्रैफिक की, किसके थ्रू, हैकर के थ्रू। और वो अटैक जो होता है उसका मेन पॉइंट क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर, आपका जो सर्वर है उसको शट डाउन करना, उसकी सर्विस को अनअवेलेबल कराना। तो बेसिकली डॉस अटैक इज एन ऑनलाइन अटैक व्हेन द अटैक इज मेड ऑन अ वेबसाइट। सपोज करो आपकी एक वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है, उस पे हैकर ने डॉस अटैक किया, तो वो क्या करेगा, ट्रैफिक की बॉम्बार्डमेंट कर देगा और इतनी बॉम्बार्डमेंट करेगा, अगर आपने कोई इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ डॉस अटैक और डीडॉस अटैक का, तो आपका जो सर्वर है वो अनअवेलेबल हो जाएगा, वो सर्विस को अवेलेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है और जो यूजर होंगे वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपका जो वेब सर्वर होगा वो आपका उसकी सर्विस देना बंद कर देगा। तो बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस क्या कहती है, आपका ये ऑनलाइन अटैक होता है और इसमें क्या होता है, आपका अटैक जो होता है, हैकर जो होता है वो ट्रैफिक की बम्बार्डमेंट कर देता है आपके विक्टिम कंप्यूटर पे, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है डीडॉस अटैक क्या होता है। तो डीडॉस अटैक की अगर बारे में मैं बात करूं तो डीडॉस अटैक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, मतलब जहां पहले हैकर केवल एक सिस्टम से बॉम्बार्डमेंट कर रहा था आपके विक्टिम कंप्यूटर सर्वर पे, ठीक है, ट्रैफिक की, यहां पे क्या होता है, हैकर मल्टीपल आपके जो सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू अटैक करता है। तो जाहिर सी बात है डॉस से ज्यादा डेंजरस क्या हुआ, डीडॉस अटैक हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल सिस्टम के थ्रू वो बॉम्बार्डमेंट करता है, ट्रैफिक ट्रैफिक ब्लॉक कर देता है, मल्टीपल आपके सिस्टम, आपके जो सिस्टम आप सर्वर है उस पर बॉम्बार्डमेंट करके आपके सर्वर को सर्विसेज, आपके सर्वर की सर्विसेज को बंद कर देता है या सर्वर को शट डाउन भी कर सकता है। तो बेसिकली इसका फोकस क्या है, द फोकस इज टू बर्डन द विक्टिम सर्वर सच दैट इट स्टॉप वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो आपका वेब सर्वर जो आपकी सर्विस प्रोवाइड करा था 24/7 वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, राइट? और अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट इट इन अ नेटवर्क द सर्वर बिकम इनएक्सेसिबल टू ऑल इट्स यूजर, तो उसका जो पॉइंट था अटैक करने का वो सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट? अब इन दोनों को बात करने से पहले हम बात करते हैं कि डॉस और डीडॉस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि भाई है तो दोनों सेम ही, अटैकर क्या कर रहा है, ट्रैफिक की बम्बार्डमेंट कर रहा है, राइट, सर्वर पे, ताकि सर्वर आपका, सर्वर की अवेलेबिलिटी बंद हो जाए, सर्वर आपका अनस्टेबल हो जाए, सर्वर बंद हो जाए, राइट? तो अब हम बात करते हैं डॉस और डीडॉस अटैक में डिफरेंस क्या है। डॉस अटैक जहां पे हम बात करते हैं अ सिंगल सिस्टम टारगेट द विक्टिम कंप्यूटर, मतलब एक सिंगल सिस्टम होगा जो जिसके थ्रू आपके बम्बार्डमेंट होगी ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक आपका बस्टिक ट्रैफिक आएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ डीडॉस अटैक में क्या होता है, मल्टीपल सिस्टम जो होते हैं वो टारगेट करते हैं किसको, विक्टिम कंप्यूटर को, ठीक है। फिर डिनाइल डॉस अटैक में द विक्टिम सिस्टम इज लोडेड फ्रॉम अ डेटा पैकेट सेंड फ्रॉम वन
सिंगल लोकेशन, जबकि ऐसा डीडॉस में क्या होता है, मल्टीपल लोकेशन से आपके पैकेट्स आते हैं, राइट। डॉस में अटैक इज कंपेरेटिव स्लोअर, क्यों? ऑब्वियसली अगर सिंगल सिस्टम से अगर बम्बार्डमेंट हो रही है तो आपका स्लोअर रहेगा, वहीं डीडॉस की अगर मैं बात करूंगा तो वो फास्टर है देन कंपेरेटिव टू डॉस। द डॉस अटैक में क्या होगा, द विक्टिम हैज अ चांस टू ब्लॉक द हैकर सिस्टम, राइट। अगर उसको पता पड़ जाएगा आपकी फायरवॉल को कि इस पर्टिकुलर सिस्टम से मेरे पर अटैक आ रहा है तो वो क्या कर देंगे, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन अगर डीडॉस अटैक अटक होता है तो मल्टीपल लोकेशन को संभालना एट अ टाइम आपको मुसीबत हो जाती है और आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो सकता है, राइट। फिर डॉस अटैक की बात करूं तो द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इन द डॉस अटैक इज कंपेरेटिवली लेस देन डीडॉस। ऑब्वियसली जो ट्रैफिक होगा वो एक सिस्टम से भेजा जाएगा बम्बार्डमेंट, तो वो आपकी कम होगी कंपेरेटिव टू डीडॉस। अगर मैं इसको डायग्राम से समझता हूं तो ये देखिए डायग्राम में, ये आपका अटैकर है, ये आपका विक्टिम कंप्यूटर। तो अटैकर ने क्या किया, मल्टीपल मास्टर्स बना दिया और उसके मल्टीपल्स, उसके अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल स्लेव्स बना दिया और उसके थ्रू बम्बार्डमेंट कर दी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो विक्टिम कंप्यूटर होगा, सर्वर होगा, उसकी जो सर्विसेज होगी वो एकदम से अनस्टेबल हो जाएंगी कंपेयर टू डॉस अटैक में। अब बात करते हैं हम स्पूफिंग की क्या होती है। स्पूफिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर फायरवॉल से रिलेटेड बात करता हूं तो स्पूफिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को स्पूफ करना, राइट। स्पूफिंग इज द एक्ट ऑफ रिसीविंग अ कम्युनिकेशन फ्रॉम एन अननोन सोर्स एज बीइंग फ्रॉम अ नोन ट्रस्टेड सोर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो बताता हूं, ये देखिए ये मेरा एक विक्टिम कंप्यूटर है, ये यूजर आपका, ठीक है, और ये अटैकर। अब यूजर यू जो है वो विक्टिम को वी को आपके कम्युनिकेशन कर रहा है, हैकर ने आपके विक्टिम वी को हैक कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो सीधे इस पर्टिकुलर विक्टिम वी की जगह खुद रिप्लेस हो जाएगा और जो भी ट्रैफिक आप यूजर यू भेज रहा है वो उसके पास पहुंच जाएगा, राइट। तो स्पूफिंग कैन अप्लाई टू ईमेल्स, फोन कॉल्स एंड वेबसाइट, राइट। किसी पे भी अप्लाई हो सकती है, ईमेल हुआ, फोन कॉल हुए, वेबसाइट्स हुए, और कैन बी मोर टेक्निकल सच एज अ कंप्यूटर स्पूफिंग एंड आईपी एड्रेस या एआरपी या डीएनएस सर्वर, राइट। क्यों, आईपी एड्रेस आपका अगर सपोज करो वो आपके नेटवर्क में घुस गया, राइट, तो आपके आईपी एड्रेस के थ्रू वो आपका आईपी एड्रेस अगर स्पूफ कर लिया उसने तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है, राइट। स्पूफिंग कैन बी यूज टू गेन एक्सेस टू द टारगेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्प्रेड मालवेयर थ्रू इन्फेक्टेड लिंक और अटैचमेंट्स, बाईपास नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल और रीडिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक टू कंडक्ट अ डीओएस अटैक, राइट। तो बेसिकली इसका फंडा क्या है, उसका फंडा ये है कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है टारगेट आपकी जो विक्टिम की उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है, और मालवेयर को स्प्रेड करना, कोई भी आपके लिंक के थ्रू अटैचमेंट के थ्रू आपके नेटवर्क को बाईपास करना, उसको कंट्रोल में ले लेना और डीओएस अटैक को परफॉर्म कराना। तो ये बेसिकली स्पूफिंग का होता है। अब हम बात करते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन की। देखिए ये सारे जो टॉपिक हैं ये बेसिकली एक फायरवॉल में जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे पहले आपको पता होने चाहिए कि ये चीज होती क्या है। तो अब मैं बात करूंगा इंट्रूजन प्रिवेंशन के लिए। मेरी कुछ पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था आईपीएस से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई थी। तो इंट्रूजन प्रिवेंशन क्या होता है, तो इंट्रूजन प्रिवेंशन की बात करता हूं तो एन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीएस is a network security threat prevention technology that examines network traffic flows to detect and prevent vulnerabilities exploits। मतलब ये बेसिकली क्या है, एक तरह का सिस्टम है जो कि आपके जो थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो वर्नेबिलिटीज आती हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है जो आपके नेटवर्क में, सपोज आप लैन से वैन में जा रहे हैं या वैन से लैन में आ रहे हैं तो उसको एग्जामिन करेगा। थाउजेंड्स ऑफ आपके सिग्नेचर्स होते हैं आपके हर एक पैकेट में, जो एनालाइज करते हैं कि इसमें कोई वर्नेबिलिटी तो नहीं है, अगर वर्नेबिलिटी होती है तो वो उसको ब्लॉक कर देता है, ट्रैफिक को उस पर्टिकुलर पैकेट को ड्रॉप कर देता है। तो ये इस तरह का एक सिस्टम होता है जो फायरवॉल हुआ, एंटीवायरस हुआ या अलग से सिस्टम्स भी आते हैं उनमें इंप्लीमेंट होता है। तो हम आज जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड करेंगे और फायरवॉल सोफोस एक्सी फायरवॉल में हम देखेंगे कि ये चीज हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है डॉस एंड स्पूफ प्रिवेंशन को, प्रोटेक्शन को रोकने, इन सबको रोकने के लिए हमने क्या प्रोटेक्शन बनाया हुआ है सोफोस एक्सी फायरवॉल पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपने जो डॉस और स्पूफ प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए आपको इंट्रूजन प्रिवेंशन में जाना पड़ेगा, वो अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे जाना है। तो टू प्रिवेंट स्पूफिंग अटैक यू कैन रेस्ट्रिक्ट ट्रैफिक टू ओनली डेट विच मैचेस रिकॉग्नाइज आईपी एड्रेस, ट्रस्टेड मैक एड्रेस एंड आईपी मैक पेयर्स। मतलब जो आपके रिकॉग्नाइज, जो आपके एनवायरमेंट में, जो आपके पर्टिकुलर मैक एड्रेस है, जो आपके आईपी एड्रेस है जो कि रिकॉग्नाइज है थ्रू द आपके नेटवर्क में, राइट,
तो उनका पेयर बना करके या सिंगल सिंगल भी उनको तो आप उनका तो ये प्रोटेक्ट करता है, उनको तो एज अ जाने देता है, फॉरवर्ड कर देता है। और अगर उसको लगता है इंट्रूजन प्रिवेंशन में कि अगर और इससे रिलेटेड कोई डिफरेंट मैच आता है तो वो उसको ड्रॉप और जो भी आप उसको एक्शन लेते हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हो। राइट, यू कैन ऑल्सो सेट ट्रैफिक लिमिट एंड फ्लैग्स टू प्रिवेंट डॉस अटैक्स एंड क्रिएट रूल्स बाय टू बाईपास डॉस इंस्पेक्शन। अब सपोज कीजिए कोई रूल है कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर नेटवर्क है उसको मेरे को इससे बाईपास करना है, अगर मैंने इंट्रूजन प्रिवेंशन लगा लिया तो हो सकता है कुछ नेटवर्क ऐसे हो जिस जो मतलब एज अ रुक जाए, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन वो ड्रॉप कर दे फायरवॉल, ठीक है, उनके पैकेट्स को, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए क्या होता है, इसमें एक बाईपास डॉस इंस्पेक्शन रूल भी होता है जिसमें अगर आपने नेटवर्क डाल दिया, सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन कर दिया, तो वो इन चीजों में इंक्लूड नहीं होगा, वो सीधे बाईपास हो जाएगा और उस पर ये सारी की सारी पॉलिसीज नहीं लगेगी। तो चलिए इनका हम देखते हैं कि सोफोस एक्सजी में हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं फायरवॉल में लॉगिन कर लेता हूं पहले। ऑलराइट, मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंट्रूजन प्रिवेंशन, सबसे पहले मैं इसमें जाऊंगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डॉस अटैक्स, आईपीएस पॉलिसीज, कस्टम आईपीएस सिग्नेचर्स, डॉस एंड स्पूफ प्रोटेक्शन। तो ये सब क्या होता है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है SYN फ्लड, ये सिंक फ्लड क्या होता है, सिंक्रोनाइज, SYN मतलब सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक फ्लड क्या होता है, हाई रेट्स ऑफ सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट आती है सिंक्रोनाइजेशन की, जब भी आपका जो सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजाता है फ्रॉम द सेंडर टू सेंडर से भेजाता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है, तो उस समय ये पर्टिकुलर पैकेट भेजाता है जिसमें सिंक्रोनाइजेशन की सेट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंक फ्लड में क्या होता है, हाई रेट ऑफ सिंक रिक्वेस्ट होती है जिसमें क्या होता है, फोर्सिंग द टारगेट सर्वर टू क्रिएट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हाफ ओपन कनेक्शन, मतलब सिंक्रोनाइजेशन जा रहा है उधर से एक्नोलेजमेंट मेरे पास कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होगा, आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट इतने ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन के हो जाएंगे कि सर्वर उस चीज को समझ नहीं पाएगा, राइट, और वो आपके उसमें इस डॉस अटैक में इंक्लूड हो जाएगा, राइट। सेकेंड आता है आपका यूडीपी फ्लड, यूडीपी फ्लड में जैसे आपने यूडीपी का मतलब पता है आपको, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि आपकी बेसिकली क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो यूडीपी पैकेट्स होते हैं वो बहुत हाई रेट से जाते हैं, ठीक है, और उसका मतलब बेसिकली ये है कि एप्लीकेशन आपके किस पोर्ट पे आपकी रिप्लाई कर रही है और उससे जैसे ही रिप्लाई आता है, आईसीएमपी पैकेट जो भी रिप्लाई आता है, तो अटैकर को पता पड़ जाता है कि उसका किस नंबर के पोर्ट नंबर पे आपका वो कोई पोर्ट जो भी आप अवेलेबल है वो कौन सा पोर्ट ओपन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको अटैक कर सकता है। फिर आता है आपका टीसीपी फ्लड, तो टीसीपी फ्लड में क्या होता है, जो पैकेट्स होते हैं टीसीपी के पैकेट्स होते हैं उनको हाई रेट्स में बम्बार्डमेंट किया जाता है। फिर आता है आईसीएमपी फ्लड, आईसीएमपी में सेम वही चीज, आईसीएमपी जो पिंग आप जैसे करते हो PING, ठीक है, पिंग पैकेट इंटरनेट गोफर, तो इसमें आईसीएमपी और आईसीएमपी वर्जन 6 जो इको रिक्वेस्ट होती है वो भेजी जाती है। आईपी फ्लड में क्या होता है, आईपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड वो आपके फ्लडिंग होती है, राइट, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस रिलेटेड, राइट। सेकेंड पार्ट आता है आपका आईपीएस पॉलिसी, इसको जाने से पहले सबसे पहले मैं बात चाहूंगा डॉस एंड स्पूफ प्रोटेक्शन में। यहाँ पे आपके अपनी फायरवॉल में हमेशा आपको इनेबल स्पूफ प्रिवेंशन रखना पड़ चाहिए ताकि आप इस चीज से प्रोटेक्ट हो सकें डॉस और डीडॉस के अटैक से। इसमें उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे चूज करते हैं रेस्ट्रिक्ट अननोन आईपी ऑन ट्रस्टेड मैक, तो उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे स्पूफ प्रोटेक्शन ट्रस्टेड मैक। यहाँ पे इसमें क्या होता है, स्पूफ प्रोटेक्शन ट्रस्टेड मैक में आपके नेटवर्क में जितने भी मैक एड्रेस या उसकी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं, और इंपोर्ट कराने के बाद उसकी सारी की सारी एंट्री यहां पे आ जाएगी। जब वो सारी एंट्री आपकी यहां पे आ जाती है देन फिर ये जो मैक फिल्टर वाला जो ऑप्शन है ये आपका इनेबल होता है। अभी मैं इसको इनेबल स्पूफ प्रोटेक्शन कर देता हूं। अब स्पूफ प्रोटेक्शन मेरे को किस में करना है, लैन में करना है, डीएमजी में करना है या वाईफाई में करना है। सपोज करो मेरे को डीएमजी में जोन में करना है आईपी स्पूफिंग का, ठीक है, प्रोटेक्शन, तो मैं इसको यहां पे इस तरह से सेट कर सकता हूं, राइट, एंड देन अप्लाई। तो अगर मेरे डीएमवी जोन में आईपी स्पूफिंग की कोई कुछ होता है तो ये
इसको रोक लेगा, राइट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है आईपी मैक पेयर फिल्टर। आईपी मैक पेयर फिल्टर में क्या होता है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों को ये मैच करेगा। अगर नहीं मिलता उसको अपनी एंट्री राउटिंग टेबल में, ठीक है, तो फिर वो उसको क्या कर देगा, उस पर्टिकुलर जो पैकेट आया है उसको ड्रॉप कर देगा। सेम चीज होता है मैक फिल्टर में। मैक फिल्टर में क्या होता है, जो आप यहाँ पे मैक एड्रेस उसकी एंट्री देंगे, जैसे देखिए मैक एड्रेस की आपने एंट्री दी, उससे रिलेटेड उसका आईपी एड्रेस दिया अगर आप वो है, और आईपीवी सिक्स है तो उसका, ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने मैक एड्रेस की एंट्री दी यहां पे, राइट, तो वो क्या चीज चेक करेगा, यहां पे अवेलेबल आ जाएगा आपके मैक एड्रेस की एंट्री। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं यहां पे, सेव। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री कराई, राइट, ऑटोमेटिकली ये चीज मेरा ऑप्शन इनेबल हो गया मैक फिल्टर का। तो अब मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ किसी के लिए भी, अगर सपोज मैंने मैक फिल्टर यहाँ पे लैन के लिए लगा दिया, तो मैक फायरवॉल क्या करेगी, फायरवॉल देखेगी कि इस मैक की एंट्री मेरे राउटिंग टेबल में है या नहीं है। अगर उसको नहीं मिलती है, उसकी एंट्री उसके पास नहीं होती है, तो वो उससे रिलेटेड पैकेट को ड्रॉप कर देगी, राइट। तो मैक फिल्टर तो फिलहाल तो मैं हटा देता हूँ इसको, राइट, डिलीट। और राइट, इसके बाद आती है बात यहां पे डॉस सेटिंग की, राइट। इसमें एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, देखिए जो मैंने बात की थी, सिंक्रोनाइजेशन फ्लड, यूडीपी फ्लड, टीसीपी फ्लड, आईसीएमपी, आईसीएमपी सिक्स फ्लड, ठीक है, ड्रॉप सोर्स राउटेड पैकेट और डिसेबल आईसीएमपी और एआरपी हार्डनिंग, राइट। एआरपी हार्डनिंग क्या होती है, बेसिकली एंड पॉइंट को अलाउ करती है टू सेंड एआरपी रिप्लाईज ओनली टू लोकल डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, राइट, एंड ओनली इफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आर ऑन द सेम सबनेट। अगर वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आर दोनों सेम सबनेट में है, एक ही नेटवर्क में है, एक ही सबनेट में है, देन उसको अलाउ करती है, राइट। तो यहां पे मैंने इसको ऑप्शन सेट कर दिया। अब ये बाय जो डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जो उसकी बाय डिफॉल्ट रेट होती है वो मैं आपको बताता हूं यहां पे, पैकेट एंड जो आपकी बर्स्ट रेट है, राइट। पैकेट एंड बर्स्ट रेट क्या होती है, ये दिख रहा है आपको पैकेट रेट पर सोर्स, ये आपकी 12,000 रहनी चाहिए, और उसके मतलब 200 पैकेट पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और बस रेट में आपके 300 पैकेट पर सेकंड होना चाहिए, तो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हो 300, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप ये सेट करते हो, यूडी प्लेयर में भी आपने सेट कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ना सेट कर सकते हो, फ्लैग आपको डालना है नहीं डालना है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको जस्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका डॉस बाईपास रूल, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर सपोज करो मेरा कोई नेटवर्क है, ठीक है, सपोज करो मेरा नेटवर्क है 192.168.5.0, राइट, डेस्टिनेशन सोर्स आई सॉरी 1.5, और डेस्टिनेशन आईपी है मेरा 110.10.10.10, राइट, कौन से प्रोटोकॉल के लिए करना है, ठीक है, सोर्स कौन सा है आपका, सोर्स पोर्ट कौन सा है, सपोज करो आपने दे दिया 22 नंबर के पोर्ट पे और डेस्टिनेशन पोर्ट 22 नंबर, ठीक है, सेव कर दिया। तो अब ये क्या किस तरह से काम करेगा, अगर कोई भी पैकेट इस सोर्स आईपी से आता है इस डेस्टिनेशन के लिए विद द सोर्स पोर्ट 22 और डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए 22 के लिए, तो बिना कुछ ये ऑप्शंस के इनेबल, मतलब आपका जो आपने पॉलिसीज लगाई है इनेबल स्पूफ प्रिवेंशन और ये सब जो चीज लगाई है वो कुछ भी चेक नहीं करेगा, इसको जस्ट बाईपास कर देगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, जहां पे आपको लगे बहुत ट्रस्टेड जोन है वही वही चीज आप इसमें यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ऑप्शन यहाँ पे सेट ये नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद बात आती है हमारी आईपीएस पॉलिसीज के लिए। आईपीएस पॉलिसीज के लिए मैं आईपीएस पॉलिसीज में जाऊंगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। मैंने आपको बताया था हर एक पैकेट पे थाउजेंड्स ऑफ पॉलिसीज होती हैं एप्लीकेबल, अगर मेरे को देखनी है तो मैं कैसे देखूंगा, सपोज करो मैंने एक पॉलिसीज बनाई, ऐड करा पॉलिसीज को, न्यू पॉलिसी, ठीक है, क्लोन रूल एक मैच कर दिया मैंने लैन से वैन के लिए। मैं जब भी सपोज करो लैन से वैन पैकेट बाहर भेजूंगा, कोई भी इंटरनेट एक्सेस करूंगा, सर्फिंग करूंगा, तो ये पॉलिसी वर्क कराऊंगा, तो उसके लिए मैंने लैन से वैन में इसको एक स्ट्रिक्ट कर दिया, लैन टू वैन स्ट्रिक्ट, और देन सेव कर दिया।
तो ये बन गई न्यू पॉलिसी। अब इसमें मैं जाऊंगा, अब देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट इसके सिग्नेचर बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज हैं, वो सारी की सारी जितने भी रिलेटेड जो वर्नेबिलिटीज है, वो सारे के सारे इसमें वर्नेबिलिटीज आ रखा है। जैसे सपोज करो मैं विंडोज से रिलेटेड देखना चाहता हूँ वर्नेबिलिटीज, तो विंडोज पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया, राइट। अब ये देखिए सबसे पहली वर्नेबिलिटीज आ रही है, ये मेरा जो आर्टिकल है मैं इससे सर्च करूंगा नेट पे, इसको मैंने कॉपी किया गूगल में जाके, इसको जस्ट पेस्ट कर दिया और एंटर। तो ये देखिए सबसे पहला पहले नंबर पे आया, इसको मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये वर्नेबिलिटी थी बेसिकली, अगर आप देखना चाहो तो एक्रोबैट रीडर डीसी वर्जन, इस वर्जन के लिए, इसके लिए आर अफेक्टेड बाय एन यूज आफ्टर फ्री वर्नेबिलिटी, एन ऑथेंटिकेटेड अटैकर कुड लिवरेज दिस वर्नेबिलिटी टू अचीव आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द करंट यूजर। तो बेसिकली इस तरह से आप सारी की सारी जो चीजें हैं इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कौन सा आपका सिग्नेचर इस समय काम कर रहा है और उससे रिकमेंड एक्शन क्या है। अब आपने ये चीज तो कर ली, इसमें अगर मेरे को सपोज करो इसको जो एक्शन है मेरे को वो डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। एक्शन में जाओगे तो आप रिकमेंडेड, अलाउ पैकेट, ड्रॉप पैकेट, डिसेबल ड्रॉप सेशन, रिसेट, बाईपास। तो मैं इसको ड्रॉप पैकेट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, इसमें जितने भी सारे ऑप्शंस हैं ये उनके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा, और इस पॉलिसी को मैं जिस किसी पे भी लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रूल्स एंड पॉलिसीज में गया और मैंने एक रूल बना दिया लैन टू वैन इंटरनेट एक्शन एक्सेप्ट रूल पॉलिसी स्टॉप ग्रुप में नन, जो भी आप करना चाहें। ये मैंने लैन ले लिया, सोर्स नेटवर्क में मैंने पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया जो मेरे सोर्स हैं। सोर्स नेटवर्क आपका जो नेटवर्क होगा वो आप डिफाइन कर सकते हो, मेरे पास दो सिस्टम है, मैं वो उसके हिसाब से डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन वैन, डेस्टिनेशन ये सर्विसेज HTTP और HTTPS, जो भी आपकी सर्विस आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग पोर्ट को यूज कर रहे हो वो आप इसमें चूज कर सकते हो, और देन अप्लाई। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉइट। यहाँ जा करके आप उसमें जब जाएंगे तो यहाँ पे जो आपने पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, वो पॉलिसी आपको यहाँ पे शो होगी, न्यू पॉलिसी ये देखिए। तो यहाँ आपको वो सेट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अब मेरा ये रूल वर्क करेगा। तो मैं अब अंदर से बाहर कोई भी सर्फिंग करूंगा तो उसके लिए जो भी वर्नेबिलिटीज आती हैं बाय डिफॉल्ट वर्नेबिलिटीज जैसी हैं, सिग्नेचर ऑलरेडी जो हैं इसके अंदर सोफोस फायरवॉल के अंदर, वो एक्ट करेंगे, और उसमें अपन ने क्या चीज सेट कर रखी है ब्लॉक करने का। तो जैसे ही उसको लगता है कि कोई वर्नेबिलिटीज आई है, चाहे वो क्रोम से हो, चाहे एडोबे से हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो जो इसकी बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज में, तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो इस तरह से आप अपने जो नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो डॉस स्पूफ प्रोटेक्शन के थ्रू, आईपीएस पॉलिसीज लगा के थ्रू, कि कोई भी आप रूल बनाओगे चाहे बाहर से अंदर का बनाओ चाहे अंदर से बाहर का बनाओ, तो उसमें ये आप इस तरह से सेट कर सकते हो, राइट। आज की वीडियो में इतना ही।